हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरे से राम राम जी। और अभी 8 बज गए, पूजा भी हमारी हो चुकी थी और कल ब्लॉग बना नहीं पाई थी। मतलब सुबह से भी लाइट नहीं थी, फोन स्विच ऑफ ही था। तो अभी फोन मतलब 1 घंटा पहले ही लाइट आई है। तो फिर अब पूजा कर करके अब मन्नू बोला मुझे बेसन का हलवा खाना है, तो यहाँ पर मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। बेसन भून लिया बस, अब इसमें चीनी और पानी डाल के बेसन का हलवा तैयार करती हूँ। ये बोल रहा था मेरा बेसन का हलवा खाने का बड़ा मन है, बड़ा मन है। और कल तो इतनी दिक्कत हो गई थी, इतनी दिक्कत, हमारा फोन स्विच ऑफ, जितनी भी मतलब बैटरियाँ थी ना चार्ज कर रखी थी वो भी सारी बंद होगी रात को। और इतना मतलब परेशान हो गए, इतना हम क्या बताएं, सब कुछ ही बंद हो गया। नेट नूट ये वो सब बंद हो गया। अभी ब्लॉग की एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड करना है 24 आवर विदाउट वो वाला हो गया। हाँ, और एकदम फोन भी चल नहीं रहा था, वरना हम चैलेंज ही कर देते 24 वाला है कि हमने फोन को हाथ नहीं लगाना। पर हो ही गया, हाथ तो हमने लगाया ही नहीं, 24 से भी ऊपर ही हो गया, 1-1.5 घंटा ऊपर ही हो गया था। तो अब जगह कहीं मतलब 1 घंटा पहले ही लाइट आई है। तो अब बस क्या कहते हैं हलवा बना के फिर उसका खाने खुने की तैयारी करते हैं। लवन ने अभी वहाँ पे लेटी हुई है, वो वहाँ लेटी हुई है। कल तो भी लाइट के बिना, फोन के बिना और नेट के बिना जिंदगी नहीं है, क्योंकि वीडियो अपलोड करना पड़ता है। अभी ब्लॉग की एडिटिंग करके उसको अपलोड भी करना है मैंने। और अब इसमें चीनी डाल दिया, तो हम इसको भून के फिर अब इसके अंदर करेंगे पानी को ऐड। दूँगी बेटा तन भी दूँगी बच्चू, लवन का लगता है बस मेरे को नहीं देगी मम्मा, सारा मन भाई को खिला दी। मैं को बनूंगा बस। और किन्हें तो पतीला पर के खाना है क्या? हद है बंदा तू, हैं? हाँ जी। ताकि मेरा मन भर जाए। मेरा भर जाएगा तेरा मन, बेसन का हलवा। फिर मैं कर देना। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बना है मेरा बेसन का हलवा। ये देखिए भगवान जी को प्रसाद भी लगा देंगे भोग, और उसके बाद हम सब खाएंगे। आप सब दिखा दीजिए कितना अच्छा बन गया। ऐसा लग रहा जैसे आटे का ना, पहले भगवान जी बहुत जरूरी होते हैं। हमने भगवान जी को बोला था लाइट दे दो, लाइट दे दो, लाइट दे दो, तो उन्होंने लाइट दे ही दिया। इतने चमत्कारी होते हैं भगवान जी। बस ये है कि हमने 1000 बार बोला बेटा, फिर क्या हो गया जब। तो भगवान जी को प्रसाद लगा दिया मैंने, और उसके बाद पहले भगवान जी खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। उस भोग तो मैंने चढ़ाया था ये किशमिश का ना, और उसके बाद अब क्या कहते हैं ये हलवे का लगा दिया लवन्या। वो देखिए कैसे लेटी हुई है, रात तो कन्न खजूरों ने परेशान कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ टेबल पर चढ़ के बैठे रहे, मन्नू वहाँ बॉल पर बैठ गया। फिर कहीं 2 बजे जाके हम बिस्तर पर लेटे, जब हमारे से बैठा नहीं गया कमर उस पर बेड पर ना, सॉरी बेड पर कह रही हूँ टेबल पर। ओए हुई लेट गई फिर से। हाओ हे प्रभु, हे हरि, राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, लाइट फिर से चली गई। हाय, एक कोई बैटरी चार्ज हो गया कि 2 हो गया? एक। और बा ये पता नहीं यहाँ पे ना हिमाचल में इतनी लाइट जा रही है, इतनी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। और यहाँ हिमाचल में ना हाँ इतनी लाइट जा रही है बेटा, फोन इस्तेमाल का वीडियो भी बना रही है ना, अभी तक वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं किया, ऊपर से फिर से लाइट चली गई। हाय रब्बा, क्या होगा अब हमारा। क्या पता कट नीचे तो लाया हो, नीचे तो नीचे तो नीचे जगह तो पता नहीं यार, ये कट नीचे से लगा देते हैं ऊपर से लगा देते हैं। बट कल तो 24 घंटे से ऊपर लाइट नहीं आई थी, अब फिर चलेगी। मैं फोन के ना संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना फोन में ना 100% चार्ज हमने किया था बस उसके बाद। और ये बैटरी मैंने तीनों बैटरी चार्ज हुई है, कितनी हुई है, एक ही हुई है? 60%। हाय रब्बा, ये भी फोन हमारी ये जो चल रही है ना ये लाइट 60% हुआ है। चलो कोई नहीं, हम बंद रखते हैं अपने फ़ोन को, पहले लाइट आ जाए फिर उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी सुबह हो गई है, रात हम खाना खुना खा के सो लेट गए थे, मतलब लेटे थे बस एडिटिंग वूटिंग के। अब ब्लॉग की रात भी लाइट नहीं आई थी, फिर इसकी जो बैटरी थी ना क्या कहते हैं ख़त्म हो गई थी, तो फिर अभी मैंने निकाल के लगा दिया, बट लाइट आई थी फिर चली गई, आई थी चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी चाय रखी हुई है, मन्नू को उठा रही हूँ, लवन्या का दूध गर्म कर रही हूँ, ये उठ गई थी फिर सो गई दोबारा से ना, मतलब जाग रही है उठ रही है। चाय भी बन गया और इधर लवन्या के लिए दूध भी गर्म हो गया, तो अभी ठंडा होगा ना फिर लवन्या को देती हूँ। और कहते अभी बस मैं और मन्नू चाय पीने लगे, मन्नू भी वॉशरूम गया, तो अभी चाय पियेंगे फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना खाना खुना। और अभी ना बहुत ठंड सी लग रखी है, बारिश की वजह से ना मौसम ऐसा ही हो रखा है, अभी धूप भी नहीं निकली हुई ना, तो वो लेटी उठी है लवन्या भी, अब ठंडा हो जाए फिर देती हूँ उसको थोड़ा सा चाय, मैंने दूध डाल के दे दूँगी। तो उस दिन जो लस्सी पड़ती ना उसमें मैंने बेसन डाल दिया, बेसन वेसन डाल के लस्सी को मैंने घोल लिया। और यहाँ पे मैं तड़का भून रही हूँ,
और इधर हो रहा है तेल गरम, तो ये मैंने बेसन को घोल लिया, इसके अंदर प्याज डाल लिया, थोड़े से पकोड़े से बना लूंगी ना, और मन्नू खाता नहीं है ना, तो इसलिए हम पकोड़े डालते नहीं। वैसे मैंने इसमें एक आलू भी डाला है मन्नू के लिए, और बस थोड़े से बनाऊंगी क्योंकि वो खाता नहीं, उसको पसंद नहीं है, इसलिए हम सिंपल कढ़ी बस आलू वाली बनाते हैं। कहते कढ़ी को मतलब खाली भी नहीं बनाना चाहिए ना, या तो आलू डालो या फिर पकौड़े डालो, तो इसलिए अभी ये मसाला भून रहा है इधर। अरे गैस सिम हो गया मेरे से क्या, तो गैस अभी तेज किया, तो इधर मसाला भून रहा है, इधर तक मैं ये बना लेती हूँ। ये इसमें मैंने प्याज डाल दिया था ना बस। हाँ बेटा, और लवन्या को भी क्या कहते दे दिया मैंने दूध पीने के लिए, फिर वो शोर मचा रही है। कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आज मैं तड़का लगा के फिर उसके बाद डाल लूँगी बेसन, नहीं तो मैं कई बार ऐसे रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाती हूँ बाद में। तो इधर बस ये पकौड़े भी बन गए हैं और कढ़ी रख दिया मैंने, अभी उबलेगी ये, और आज ना फिर मौसम ना थोड़ा बारिश जैसा हो रखा, टेंशन हो रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश वो नहीं रहती, फिर लाइट नहीं रहती। तो ये देखिए आज का व्यू, और ऐसा लग रहा है जैसे ना फिर से बारिश आएगी, और मुझे टेंशन हो जाती है जब बारिश आने वाली होती है, क्योंकि ना लाइट चली जाती है, और मैं फटाफट मैं सोच रही हूँ फ़ोन चार्ज कर लिया हम, क्योंकि सुबह भी लाइट नहीं थी, रात को भी नहीं थी, और अभी इसको चार्ज लगा रहे थे। और ये देखो बाहर इधर का व्यू, वहाँ पर देखो धूप निकल रही हुई है, धूप की रोशनी दिख रही है, और इधर देखो यहाँ पे धूप वगैरह कहीं दिख ही नहीं रहा, और फिर लग रहा है कहीं बारिश आएगी, क्योंकि बदल गरजने की भी ना आवाज़ सी आ रही थी, तो मैं इसलिए बाहर आई थी। और हवा चल रही है बहुत तेज़ अभी भी, और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और मौसम देखो अचानक से कैसा हो जाता है यहाँ पे ना। कढ़ी बन के हो चुकी है तैयार, और इधर क्या कहते चावल भी बन गए, चावल बन गया, बस अब गैस बंद कर देती हूँ, और अब बस हमारा लंच तैयार हो गया है। तो इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।